सोलन से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजेश कश्यप ने अपना नामांकन दाखिल किया और कांग्रेस प्रत्याशी और अपने सगे दामाद को घेरने का भरसक प्रयास किया। राजेश कश्यप ने कांग्रेस प्रत्याशी धनीराम शांडिल को मौका प्रस्त बताया और कहा कि वे लोगों की बातों में आकर अपने सगे दामाद को दिया वचन भूल चुके हैं। उन्होंने कहा कि उनके ससुर ने चुनावी जंग में उतरने से पहले कहा था कि अगर भाजपा का टिकट उन्हें मिलता है तो वे कांग्रेस से उम्मीदवार नहीं होंगे, लेकिन बाद में वे अपनी बात से मुकर गए। उन्होंने कहा कि प्रदेश को कांग्रेस मुक्त करना उनका और उनकी पार्टी का एकमात्र लक्ष्य है और आज उनकी चुनावी रैली में कार्यकर्ताओं का हजूम देखने को मिल रहा है, जिससे ये साबित होता है कि प्रदेश में भाजपा की सरकार बनेगी। वो बहुत ही हमारे आदरणीय और सीनियर परिवार के सदस्य हैं। ऑब्वियसली मैंने उनसे ये परमिशन तो लिया था और उसके बाद ही हमने जो है भारतीय जनता पार्टी से भी बात की थी, तो लेकिन अभी पिछले 15-20 दिनों में कांग्रेस के लोगों ने उनकी जो है वो घेराबंदी कर दी और उन्हें जो है अपने जो उससे बाहर नहीं आने दिया चुंगल से। जीत हम पूरी तरह से जीतेंगे और हम बड़े भारी मतों से जीतेंगे, तो ऑब्वियस हम इलेक्शन लड़ने आए तो जितने भी आए हैं तो इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। सामने कोई भी हो तो क्या है, तो अपना यही है कि हम अपनी विचारधारा के लिए लड़ रहे हैं और हम हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस मुक्त बनाना चाहते हैं।